नमस्कार साथियों, मैं पंडित दीपक पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ष 2024 की अग्रिम बधाइयाँ देते हुए आज हम बात करेंगे कि अंक ज्योतिष के अनुसार किस मूलांक वालों के लिए वर्ष 2024 अच्छा रहेगा, किसके लिए मध्यम रहेगा और किसके लिए प्रतिकूल रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं मूलांक एक की। एक मूलांक वाले जातकों के लिए यह वर्ष शुभ फलदायी होगा। उनके बिगड़े हुए काम बनते नजर आने लगेंगे और जमीन से संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़े होंगे उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अधिक लाभ देने वाला साबित होगा। दोस्तों, मूलांक दो वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2024 थोड़ा सा संघर्ष भरा रहेगा। उन्हें वर्ष की शुरुआत से ही तबीयत से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी वर्ष भर की जो कमाई होगी उसमें खर्च ज्यादा रहेगा और बचत बहुत ही कम हो पाएगी। दोस्तों, बात करते हैं मूलांक तीन की। मूलांक तीन वालों के लिए यह वर्ष मध्यम रहेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि वर्ष 2024 में ना तो उन्हें बहुत ही नुकसान होने वाला है और ना ही बहुत अधिक फायदा होने वाला है। कहने का अर्थ कि यह वर्ष उनके लिए मध्यम रहेगा। दोस्तों, मूलांक चार। मूलांक चार के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यंत ही शुभदायी माना जा रहा है। वर्ष 2024 में इनके लिए कई प्रकार के योग ऐसे बन रहे हैं जिनके कमाई के रास्ते बंद हैं, उन्हें कई रास्ते मिलते हुए नजर आएंगे और जिनके कई कार्य फंसे हुए हैं, जो किसी न किसी वजह से लटक गए हैं, वह सब सुलझ जाएंगे और उनके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभदायी रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं मूलांक पांच की। मूलांक पांच के जातकों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इन्हें कई प्रकार के घात का भी संभावना है कि सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत तो ठीक रहेगी, लेकिन वर्ष का मध्य, कहने का अर्थ कि मई और जून से लेकर के 4 महीने इनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। यात्रा सोच समझ कर करें, अनावश्यक यात्राओं से बचें। दोस्तों, बात करते हैं मूलांक छह की। मूलांक छह वालों के लिए वर्ष 2024 अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होगा। इनके लिए कई प्रकार से भाग्योदय का समय होने वाला है। दोस्तों, जो व्यक्ति फैक्ट्री या मिल के मालिक हैं, वह तो एकदम कहा जा सकता है कि अनुकूल सुख की अनुभूति करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कोई भी कमाई का कोई जरिया नहीं है, उनको कई प्रकार के कमाई के जरिया भी मिलेंगे और कई रास्ते भी उन्हें नजर आएंगे। दोस्तों, मूलांक सात। मूलांक सात के जातकों के लिए भी यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। अर्थात वही बात कही जा सकती है कि ना तो इन्हें नुकसान होगा और ना ही इन्हें कोई फायदा होगा। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। दोस्तों, मूलांक आठ। पूरे मूलांक की संख्या की बात कही जाए तो मूलांक आठ के ही जातक ऐसे हैं जिनके लिए संपूर्ण वर्ष 2024 अत्यधिक शुभ फलदायी रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अंक ज्योतिष की जो गणितीय विशेषता है उसका उपयोग करें तो 2024 2 धन 0 धन 2 धन 4 को इकट्ठा करेंगे, बराबर करेंगे, तो उसका भी जो अंक निकल के आता है वह है 8। तो सीधा सीधा अंक ज्योतिषी गणितीय इस आंकड़े के अनुसार कहा जा सकता है कि मूलांक आठ वालों की दसों उंगलियां घी में रहने वाली हैं। दोस्तों, मूलांक नौ। मूलांक नौ के लिए भी यह वर्ष शुभदायी रहेगा। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्वास्थ्य से पीड़ित हों, उनको स्वास्थ्य से जो भी उन्हें समस्या है जिससे वे पीड़ित हैं उसमें सुधार नजर आएगा। जो व्यक्ति कहीं बाहर हैं और वह वापस अपने घर आना चाहते हैं लेकिन कई कारणों से घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनके बीच में कोई समस्या आ जाती है, कोई उलझन आ जाती है, तो वे लोग भी अब इस वर्ष अपने घर वापस आ सकेंगे।
दोस्तों, इस प्रकार से ये 9 मूल अंक जो हैं, ये 2024 में इस प्रकार से आपको शुभ और अशुभ फलदायी होने वाले हैं। इसी के साथ जय माता दी।